अरे आसाराम के चेले हैं, जरा देखिए गौर से देखिए कौन है दोनों में से, क्या तो आसाराम बापू होंगे न तो राम रहीम होंगे। इसमें आप फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं केंद्र में। क्या कह रहा हूँ, पहले ही आप डिसाइड कर लोगे। ये मदारी का खेल नहीं खेलो, सुनो पहले बात, दिल्ली की तरह रास्ता मत काटो आप, पहले सुनो। जितना बड़ा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा सम्मान मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में जितना नफरत की भाषा बोलने वाला हो उतना बड़ा पोस्ट मिलता है। तो मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी। तो वह अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। इनके परिचय में आपको बता दें कि ये केंद्र में रह करके बिहार का लाल केंद्र केंद्र समझे, केंद्र सरकार को जो है नाक से पानी पिलाने वाले ये पंकज श्रीवास्तव जी आज पटना में बिहार में मिल गए। अब बीजेपी से आपको क्या परेशानी है, मतलब क्यों, मतलब नाक में दम करके रखे हुए लोगों को? आप सोचिए, इनका स्तर देखिए, इनका जन्म ही लुच्चापनी से हुआ है। जो जितना बड़ा लुच्चा भाजपा में उतना बड़ा उच्चा, आप देखिएगा तो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में उतना बड़ा पोस्ट मिलता है। अच्छा। जितना बड़ा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में उतना बड़ा सम्मान मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में जितना नफरत की भाषा बोलने वाला हो उतना बड़ा पोस्ट मिलता है। प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात करते थे, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाखा है उसका अनुदान चालू करेंगे। और बिहार में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य का है, एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य अभी नहीं मिल रहा है। देखो सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप वही बात है, मोदी जी का तो नारा है ना कि बेटी भी पढ़ रहे हैं बेटा भी पढ़ रहे हैं तो समान शिक्षा नीति तो है। मोदी जी का तो नारा ये है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत नहीं है, जाके जाके उन घरों में पूछिएगा तब ना पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जहाँ मोदी जी गारंटी बांट रहे हैं वहाँ आप आंदोलन कर रहे हैं जी, आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है आपको? मोदी की गारंटी तो उनके घर में नहीं है, जसोदाबेन को गारंटी नहीं है, 7 फेरों की गारंटी थी, कौन सी गारंटी लेंगे बताओ। जिस आदमी का जन्म 1950 में हुआ, 18 साल में शादी किया, 19 साल में बीवी को छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया, तो 40 18 कितना होता है आप बताओ, 58। तो जब 58 साल यही हो गया, फिर ग्रेजुएशन कब किया, गुफा में कब गया, अमेरिका कब गया, तो ये सब देखिएगा तो 100 साल से ऊपर होना चाहिए। तो मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। तो क्या लगता है ये सब आंदोलन करके आप पेंशन लागू करवा लेंगे? क्यों नहीं, 11 नंबर की पुरानी पेंशन व्यवस्था, बिल्कुल। अच्छा, देश में जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वो हमारे आपके घर के बीच के हैं। वाजपेयी जी 100 पद का पेंशन लेंगे, मरने को मर गए, लेकिन कर्मचारी नहीं लेगा। जो कर्मचारी अपना कीमती समय कम से कम 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में देता है, और देखिए पहले की सरकारों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी, पेंशन व्यवस्था, अब ये सरकार ने क्या किया, प्राइवेट फर्मों में भी 98% कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया, अब उनका सब कुछ खत्म कर दिया। अब जाकर देखिए उनका परिवार क्या क्या हाल होगा। दो सवाल जो आपको देंगे, हमको लगता है कि दो सवालों में आप फंसने वाले, क्योंकि अभी तक तो आपने बड़ी मतलब समझिए बेबाक तरीके से आपने जवाब दिया, लेकिन दो सवाल है दर्शकों, जरूर इस सवालों को सुनते जाइएगा, क्योंकि ये दो सवालों में आपके चहेते जो है पंकज श्रीवास्तव जी फंसने वाले हैं। एक सवाल कि बिना आंदोलन के क्या आप ये 12 मांगों को पूरी करवा लेंगे? आंदोलन करना क्यों पड़ रहा है? देखिए ऐसा क्या लग रहा है, असहयोग आंदोलन, जब गोरे अंग्रेजों की सरकार थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये काले अंग्रेजों की सरकार है, जिन सच्चे लोगों को भाजपा में कई झूठे मिलकर सच्चों को तोड़ रहे, उन सच्चों को बचाना होगा ताकि देश बचा रहे, इसीलिए आंदोलन करने का आपका ये है। और अंतिम सवाल जो है, आपने 12 नंबर में लिखा है कि पुलवामा घटना की जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए कि दोषी को फांसी मिले, तो आपके नजर में दोषी कौन है जी? आप प्रधानमंत्री तो आकर के मतलब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, समझिए राम राज्य का मतलब होता है आम जनता की बातों को सुनने वाला यार, क्योंकि इसमें आप फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं केंद्र में। क्या कह रहा हूँ, पहले ही आप डिसाइड कर लोगे। ये मदारी का खेल नहीं खेलो, सुनो पहले बात, सबसे बड़ी चीज है, देखिए बिल्कुल सही हम सुन रहे हैं। देखिए पहले आप समझ लीजिए कि ये साहब कह रहे हैं कि पुलवामा घटना की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन और दोषियों को फांसी दो, मतलब दोषी आप मानते हैं, है कोई दोषी? क्यों नहीं, कौन है? आप एक बात बताओ, CRPF के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, हाँ, तो रक्षा मंत्रालय क्यों नहीं
बुलेट प्रूफ बस मुहैया कराई। दूसरी बात आप पहले सुनिएगा, दिल्ली की तरह रास्ता मत काटो आप, पहले सुनो। अरे कार में RDX भरा गया होगा ना कहीं से, तो सैटेलाइट नहीं बताएगा कि ये नंबर की कार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही नंबर की कार वहाँ टकराई। आप समझो यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, कोई आदमी कार लेके यहाँ से जा रहा है तो इस नंबर की कार यहाँ से पता चलेगा। जब वो रोडों पर लगा हुआ कैमरा गाड़ी का चालान भेज देता है तो क्या वो नहीं बता सकता है कि उसमें 300 किलो RDX कहाँ से भरा गया, 50 किलो जेलेटिन भरा गया, 350 मटेरियल है भाई। जब आर्मी की गाड़ियां जा रही तो सिविलियन गाड़ी कैसे आई, सामने सामने टक्कर मारने की इजाजत किसने दी? कितने गिर जाओगे, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इसी पर घूमते रहते। हमने एक शब्द में कहा कि 300 किलो RDX इस गाड़ी में कैसे आया, और यह गाड़ी जब इस सड़कों पर चलेगी तो सड़कों पर जो लगे हुए CCTV कैमरे हैं। सभी बातें में आपने कहा कि कहीं ना कहीं दृश्य है, सार्वजनिक होना चाहिए ना, ये दृश्य को कौन छुपा रही है, कौन है दोस्त? सरकार छुपा रही है, सरकार को सार्वजनिक करना था। सरकार अभी शंभू बॉर्डर पर क्या इंतजाम किए, आज जो शंभू बॉर्डर पर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों पर कान का पर्दा फाड़ने और उसे जान से मारने का मशीन लगाई है, वो अगर गलवान में लगाई होती तो चाइना के सैनिक मरते? आप बताओ, जो आंसू गैस के गोले ड्रोन से हमारे देश के ही किसानों पर छोड़े जा रहे, वो चाइना के आर्मियों पर छोड़े जाते तो चाइना का सैनिक मरता? आज हमारे भारत के किसान मर रहे, तो वह अगर सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। आप पत्रकार हो यार, आपको सवाल इनसे जाके पूछना चाहिए कि मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आप क्या है? राम रहीम। देखिए देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए साहब, गौर से देखिए, आप गौर से देखिए। वही तो राम रहीम है। अरे आसाराम के चेले हैं, अरे आसाराम के चेले हैं, चश्मा लगाइए चश्मा। अरे आसाराम के चेले हैं, जरा देखिए गौर से देखिए कौन है। हमको तो लग रहा है राम रहीम है। देखिए देखिए देखिए, आप देखिए, दिखाई दिखाइए कौन है, कौन है आपको क्या दिख रहा है? राम रहीम तो बुझा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? ना ना, गौर से देखिए दोनों में से क्या, तो आसाराम बापू होंगे न तो राम रहीम होंगे, तो दोनों में से एक है। अगर जब आप देखेंगे मोदी जी ने जितनी बातें बोली हैं, MSP पर ये भड़का रहे थे किसानों को, भाजपा के नेता कह रहे थे ये धरती के किसान आए हैं, आज ये धरती के भगवान आए हैं, आज उन धरती के भगवानों को क्यों रोका जा रहा है? भला भगवान को रोकने की किसमें शक्ति हो, राक्षस ही भगवान से युद्ध कर सकता है, तो भाजपा रूपी राक्षस आज देश के भगवानों को देश की राजधानी में अपने ही सरकार से मांग नहीं करने दे रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज श्रीवास्तव जी का।